नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दिनेश कुमार पालवी और लेकर आया हूं बहुत अच्छा पैच। ये पैच है वादा रहा सनम होंगे जुदा ना हम। तो आइए बिना देर किए मैं एक एक पोर्शन को आपको बताता हूं कि कैसे बज रहा है एक एक पोर्शन। तो सबसे पहले चलते हैं शुरुआत की तरफ। जब शुरुआत में ये एक पीस शुरू होता है तो कैसे बजेगा, यहाँ पर एक स्नेयर लगा हुआ है जो हम तेज़ बजाएंगे, मतलब तेज़ टैप करेंगे तभी आवाज़ आएगी, जैसे ऐसे। और जब स्लो तो आवाज़ स्लो बजाएंगे तो ये टॉम्स की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ऐसे स्नेयर से शुरू करना है। तो ये पोर्शन बजाना है ना, ये इस तरीके से बजाना है। अब चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरा पोर्शन कैसे बज रहा है, तो इसमें देखिए MFX में मैंने डिले डाल के रखा हुआ है, उसको आप इस बटन को ऑन करके रखिए। यहाँ पर MFX 1 डिले ब्लिंक होना चाहिए, तो आप माइनस करेंगे तो ये MFX ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डिले डाला हुआ था वो नहीं सुनाई देगा। अब कैसे बजाना है हमको, ये कौन सा पोर्शन है, वादा रहा सनम, ये वाला पोर्शन है। तो ये पोर्शन ऐसे बच गया। अब बात करते हैं उस पोर्शन की, हमारी चाहतों का, ये पोर्शन कैसे बजाना है। तो ये पोर्शन के लिए आप तुरंत MFX को प्लस दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और तो ऐसे बजाना है। और फिर वापस सीधा आना है, फिर वापस हो जाएगा। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया, ये मुखड़ा मुखड़ा इतना शुरू हो गया। उसके बाद अंतरे में जो भी पीस बीट बजेगी वो इससे रिलेटेड ही होगी, ठीक है ना, इससे रिलेटेड नहीं, ये दो पैच से रिलेटेड ही होगी। और या तो ये ऐसा बजेगा अंतरे में, ये इसमें ऑन करना पड़ेगा डिले आपको, ठीक है, और या फिर वाली बजेगी। तो खैर इसको छोड़ दीजिए, अभी बात करते हैं हम जो अंतरा आता है, अंतरे में जो तबले का पीस बजता है, तो उसके लिए आपको एग्जिट होना है और यहाँ पर एक पैच नीचे कर लेना है ना, नीचे की तरफ लगा दिया। तो मैंने वो जो क्या बात है जो तेरी आँख भर आई, आपने सुना होगा, क्या बात है जो तेरी, ऐसा कुछ है वो। तो वो कैसे बजाना है देखिए, ये इसको एक एक ऐसा चलाना है। अभी मैं सिखाने वाला हूँ इसके बाद कैसे बजाना है, तो वीडियो पूरा देखिए तो मैं बता दूंगा आपको कैसे इसको बजाना है। तो ये क्या बात है तेरी, और फिर उसके बाद देखो तो क्या नजारे हैं, तो उसमें कैसा बजाना है, ये वाला, देखो तो क्या नजारे हैं तुम्हारी तरह प्यारे हैं, रे है ओ जाने जा हमारी। हाथ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है गाते समय और ध्यान नहीं रहता कहाँ बजाना है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा 100%। आपका आपको तो केवल बजाना है, तो और आराम से आप बजा सकते हैं। बस शर्त ये है कि हाथ में बैठाना है आपको, पैच को हाथ में बैठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न है ना, आप आराम से बजा सकते हैं। कहीं पर ऐसा ही बजा देखिए, ऐसा ही बजाए कहीं कहीं पर, है ना। तो जहां आपको लग रहा है सिंबल फास्ट चल रहा है तो आप MFX ऑन कर लेंगे, जहां आपको लग रहा है कौन से वाले इसमें जिसमें ये टक का टोन लगा हुआ है उस वाले में मत करिएगा। तबला जहां पर लगा है वहां MFX ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो जहां कॉन्गो का स्लैप टोन लगा हुआ है जिस पैच में, उसमें MFX ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि इसको बजाना कैसे है, ठीक है। तो पहला पोर्शन
पहला पोर्शन हम चलते हैं, तो MFX ऑन करना पड़ेगा उसके लिए, पहले पोर्शन के लिए जो बज रहा है। तो हमको क्या करना है, देखिए ये दोनों साथ में बजाना है और फिर उसके बाद ये तो वन, फिर ये बजाया, फिर यहां पर यह हाथ आएगा और जब दूसरी बार ये बजेगा तो यहां पर जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? और यहां पर आएगा तो ये, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेन पोर्शन की, जो गाना है वादा रहा सनम, वो कैसे बजना है। तो देखिए ऐसा बजेगा वो, तो ये ऐसा चल रहा है, बस इतने में खत्म हो गए। तो वन और टू में इसके साथ में, फिर थ्री में इसके साथ में, तो ये टक जो आ रहा है ना, स्लैप टोन कॉन्गो का, तो यहां स्लैप टोन कॉन्गो आ रहा है और उसके बाद बेस से फिर वापस शुरू होते। देखिए कैसे, ऐसे बजाना है, ये जैसे यहां पर आया, ये बेस आया, ऐसा आ जाएगा। आप स्लो करके देखेंगे, समझ में आएगा आपको। और स्लो बता देता हूं आपको, फिर कैसे बजाना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये जब टक आएगा, ढिक टक ढिक ऐसा आता ना, तो ये इस जगह पर ही आएगा, यही कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा है और इसको आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस बार बार, तभी ही आ पाएगा ये। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, इस तरीके से इसको बजाना है। अब बात करते हैं हम कौन से पोर्शन की, तबले वाले पोर्शन की। तो तबले वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं, तो ये तबले वाला पोर्शन आ गया है। अब इसमें आपको कैसे बजाना, देखिए कैसी उदासी तेरे मन में है चाही, तो उसके लिए आप पिकअप लगाएंगे पहले, तो पिकअप के लिए आप ऐसा बजा दीजिए, या यही बजा सकते हैं, या ऐसा बजा सकते हैं पिकअप, क्योंकि अपने पास जगह कम है। अगर आपके पास एडिशनल पैड्स हो तो वो लगा के आराम से आप इस पैच को बहुत आसानी से बजा सकते हैं। तो ये कर लिया हमने, दो बार बजा दिया, आप क्या करना है हमको, तो ये हाथ एक एक बार चलाइए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाला पोर्शन देखो तो क्या नजारे, तो उसमें आपको यहां ऊपर बजाना है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये बजाना है दोनों साथ में और उसका दिया आएगा और फिर इसके बाद आएगा एक बार और इसके बाद एक बार आएगा, इसके बाद मतलब यहां पर, ये देखिए दूसरी बार में इसके बाद आ रहा है और सॉरी पहली बार में इसके बाद आ रहा है और दूसरी बार में इसके साथ आ रहा है। देखो तो क्या नजारे हैं, यहां पर ये
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। और पिकअप के लिए तो ये है ही, बाकी मेरे ख्याल से अभी कोई पोर्शन, एक पोर्शन बचा है तो वो आप ऐसे बजाएंगे, आप वो इसमें बजेगा। वो देख लीजिएगा, आप आराम से बजा सकते हैं। तो इतना ही है, और इतने में अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये पैच पसंद आया होगा, इसके टोन्स पसंद आए होंगे। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है और ले सकते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम फिर अगले किसी वीडियो में, जिसमें हम कुछ नया पैच लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।